कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज के मार्फत जानकारी हासिल हुई है। एक दिन पहले कॉन्फेडरेशन ने तीनों नगर निगमों में ये धमकी दी है कि अगर उनके एम्प्लॉयज की बकाया तनख्वाह, पेंशन और रिएम्बर्समेंट नहीं दिए गए तो वो सामूहिक हड़ताल पर जाने वाले हैं, और उन्होंने मात्र 3 दिन का समय जो है तीनों भाजपा शासित नगर निगमों को दिया है। उन्होंने बताया है कि ए, बी, सी, डी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह पिछले 2 महीने से नहीं दी गई। करीब 2 महीने से सभी एम्प्लॉयज़ की पेंशन जो है, जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं सेवानिवृत्त, उनकी पेंशन नहीं दी गई है। करीब 2 साल से बोनस नहीं दिया गया है कर्मचारियों को। करीब इतने ही समय से सैलरी के अंदर डीए पेंडिंग है, और मेडिकल रिएम्बर्समेंट और जो बाकी रिएम्बर्समेंट्स होती हैं वो भी कई सालों से पेंडिंग है। रिटायरमेंट बेनिफिट करीब 2 साल से नहीं दिए गए, और ये हालत नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। पैरामेडिकल स्टाफ, रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दी जा रही। उनके यहाँ से भी धमकी दी गई है कि अगर उनकी तनख्वाह 2 या 3 दिन के अंदर नहीं दी गई तो वो भी हड़ताल पर जाने वाले हैं। आप पूरी दिल्ली के अंदर घूम के देखिए, एक एक होर्डिंग दिल्ली का जिसका किराया 1.5 लाख से 3 लाख रुपए महीना है, उसके ऊपर भाजपा की एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है। 1 रुपया भी रेवेन्यू के नाम पे एमसीडी को नहीं मिल रहा। अगर सिर्फ भाजपा के नेताओं से होर्डिंग का पैसा ही वसूला जाए तो इन सभी कर्मचारियों को तनख्वाह और इनकी पेंशन दी जा सकती है। दिल्ली सरकार ने एक एक बकाया रुपया एमसीडी को दे रखा है, उसके बावजूद जो है दिल्ली को बदनाम करने के लिए और दिल्ली के अंदर हड़कंप मचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की साजिश कर रही है। ऐसी त्रासदी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों को और परेशान करने की कई नई योजनाएं बना रही है।